सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री द्वारा कार्यभार संभालते ही सुजानपुर शहर में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाते देखा जा सकता है। थाना प्रभारी शास्त्री ने बताया कि दोपहिया वाहन मालिक बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि मुख्य बस स्टैंड पर ट्रैफिक की समस्या को रोकने के लिए एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि पार्किंग और शहर में नशा का कारोबार को खत्म करना उनके प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि नशा कारोबारियों की सूचना देने वाले को पुलिस द्वारा इनाम दिया जाएगा यदि सूचना सही पाई गई तो। आपको बता दें कि सुभाष शास्त्री ने अपना जन्म मलांगढ़ तहसील बंगाणा जिला ऊना में हुआ था और उन्हें ऊना से भगोड़े अमरीश राणा जो कि पुलिस कस्टडी से फरार होकर भाग गया था को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रमोशन की गई थी। सुभाष शास्त्री ने इससे पहले शिमला, बद्दी, धर्मशाला, पालमपुर, भवारना आदि कई स्थानों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सुजानपुर शहर के बीच में यातायात को नियंत्रण करना, उसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाना, ये सबसे प्राथमिकता रहेगी। और जो शहर के आसपास भी जाम वगैरह लगते हैं उनको हटाना तथा लोगों को जागरूक करके और उनका सहयोग लेकर यहाँ पर जो एक नशे की व्याधि आजकल युवा वर्ग में चल रही है उसको जड़ से खत्म करना मेरी प्राथमिकता भी ये रहेगी और सरकार की प्राथमिकता भी है और मेरे उच्च अधिकारियों के भी ये प्रयास है। सर, जो बस स्टैंड पे जो जाम लग रहा है देखने को नियंत्रण मिल रहा है सुजानपुर, उसकी समस्या का निदान पाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रही हैं? जहाँ तक बस अड्डे की समस्या की बात है वो काफ़ी हद तक हमने दूर भी कर दी है और उसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोग अब अपने आप गाड़ियों को वहाँ पर बिना कारण से खड़ी नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर हमने आदमी डिप्यूट कर रखे हैं और आइंदा ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते रहेंगे। सर, रात को जो पुलिस द्वारा नाके लगाए जाते थे शहर में, क्या आपके इसमें भी नाके लगाए जाएंगे? सर, क्या होगा? नाके लगातार जारी है और जारी रहेंगे और पूरी तरह से दिन रात जो नाके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सर, जो आने वाले राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले के दौरान आपने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि हथियार जो है वो जमा करना, उसके बारे में सर विस्तार से। हाँ, लोगों को इस बारे में हमने समाचार पत्र के माध्यम से भी तथा अपने जो हमारे कर्मचारी इलाके में जाते हैं लोगों को इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अपने अपने हथियार जो है ये थाना में जमा करवाएं और लोग जमा करवा भी दें। सर, जो मतलब राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले के दौरान जो वाहन पार्किंग की समस्या नियंत्रण देखने को मिलती है उसके बारे में आप क्या करोगे? सर, उसके बारे में हमने पूर्ण प्रयास और अभ्यास कर लिया है और उच्च अधिकारियों के जो आदेश हमने हुए हैं उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर।